कहानियों से सजी हुई है ये पुस्तक जोहड़ी। तीसरी पुस्तक है रानी कमलापति, जो कि इंदिरा दागी द्वारा लिखित है। इंदिरा दागी भी एक सशक्त कथाकार हैं, नाटककार हैं, उनके द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद ये तीन पुस्तकें आपके लिए, आपके लिए समर्पित। और उम्मीद करते हैं कि ये युवा रचनाकार, महिला रचनाकार जिनकी कृतियां हैं, उनको जरूर पाठक मिलेंगे। बहुत कठिनाई आती है, उनकी पांडुलिपियां हमारे पास आई, विशेषज्ञों ने उनका चयन किया और उस क्रम में तीन पुस्तकें हम यहाँ प्रकाशित कर चुके हैं। हमारे बीच में उनमें से एक पुस्तक की लेखिका कौशल पवार यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा वो खड़े हों और हम उनका अभिनंदन करें। इस बार इस मेले का विशेष आकर्षण थीम पेविलियन है। हमारे यूरोपियन यूनियन के मित्र यहाँ उपस्थित हैं। सारी दुनिया पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के संकट से जूझ रही है। अनेक विश्व स्तर के समिट और वार्ताओं के दौर चल रहे हैं। पिछले दिनों प्रख्यात वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने एक लेख लिखा था और उन्होंने कहा उस लेख में कि अगर दुनिया में जलवायु परिवर्तन का संकट इसी तरह गहराता रहा तो जो मानव प्रजाति है वो अगले 100 वर्षों में इस पृथ्वी पर दिखाई नहीं देगी। मित्रों, हम सबके लिए जीवन का संकट है, हमारी नई संतति के लिए। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने इस पुस्तक मेले के माध्यम से इस थीम को सामने रखा है। आप सब देखेंगे तो ये थीम आपको न केवल आकर्षित करेगी बल्कि बड़े रोचक तरीके से उन समस्याओं के विविध पहलुओं की जानकारी देगी और उसका समाधान भी प्रस्तुत करेगी ताकि देश भर में जागृति आए। भारत तो प्रकृति और पर्यावरण के प्रति प्राचीन काल से एक जीवन दृष्टि देता रहा है। हमारा जो शांति पाठ है वो शांति पाठ उस सारे पर्यावरण संकट का एक बड़ा समाधान है। ये जो थीम हमने रखी है ये आप सबको न केवल आकर्षित करेगी बल्कि देश में पर्यावरण के प्रति, प्रकृति संरक्षण के प्रति, जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक करेगी। इस विश्वास के साथ हमने ये थीम यहाँ प्रस्तुत की है और उस थीम के प्रतीक के तौर पर यहाँ अभी आपने देखा एक कैलेंडर का भी हमने लोकार्पण कराया है। इस कैलेंडर में उस थीम को प्रकट करने वाले अनेक चित्र, पशु पक्षियों से संबंधित, वनस्पतियों से संबंधित, नदियों, पर्वतों, वायु, इन सबकी स्वच्छता और संरक्षण के लिए ये बालकों से हमने चित्र बनवाए, उनका प्रदर्शन इसमें हमने किया है। मित्रों, ये ज्ञान यात्रा अनवरत चलती रहे, आप सबका स्नेह और सहयोग, आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहे। मैं इस अवसर पर न्यास के अपने सभी सहयोगियों, कर्मचारियों, अधिकारियों का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि प्रतिवर्ष ये जो पुस्तक मेला लगता है ये बिना किसी इवेंट मैनेजमेंट के केवल हमारे न्यास परिवार के छोटे से लेकर बड़े अधिकारी कर्मचारी तक वो जी जान से कई महीनों तक इसमें जुटे रहते हैं, उनके परिश्रम और समर्पण का ये प्रतीक है। इस ज्ञान यात्रा में एक और मुकाम आने वाले फरवरी माह में जुड़ेगा, उसकी केवल मैं जानकारी दे रहा हूं। एक बड़ा आयोजन इस देश में होने जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों को लेकर और उसका नाम है इंटरनेशनल पब्लिकेशन कांग्रेस। ये 10 से 14 जुलाई तक दिल्ली में होगी और एक और अवसर होगा देश दुनिया के प्रकाशकों के एक स्थान पर सम्मिलित होने का। जो भारतीय प्रकाशक संघ है उसके द्वारा ये आयोजन हो रहा है। पुस्तकों की यात्रा, जैसा मैंने कहा, ये केवल राष्ट्रीय पुस्तक न्यास तो भारत सरकार ने देश के जनमानस को नॉलेजफुल बनाने के लिए अपने कर्तव्य को समझकर स्थापित किया, लेकिन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास लेखकों, प्रकाशकों, हमारे पुस्तक प्रेमियों, इन सबसे मिलकर एक परिवार, एक समूह बनता है। हम सबके प्रयास प्रतिफलित हों, देश में पुस्तक संस्कृति का विकास हो, उन्नयन हो, देश में ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें पढ़ने की प्रवृत्ति बने। इस अवसर पर मैं आप सबसे अंत में एक निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब संकल्प लें
कि बच्चों के जन्मदिन पर जब हम बड़े बड़े उपहार उनको देते हैं तो बच्चे को एक छोटी सी किताब जो उसके जीवन को संवार सके, रोचक कहानियों की, जीवन मूल्य दर्शाने वाली, महापुरुषों के जीवन की अगर हमने देना शुरू किया मित्रों, तो आज समाज में जितने प्रकार के संकट हम देख रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो अपराध हो, पुस्तक इन सारे संकटों का निवारण करती है और जीवन में एक अच्छा इंसान बनकर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। इस सारी अभिव्यक्ति के लिए न्यास ने पिछले वर्ष एक पत्रिका शुरू की थी, पुस्तक संस्कृति। पुस्तक संस्कृति में देश की अनेक पुस्तकीय गतिविधियों को, प्रकाशन गतिविधियों को, न केवल न्यास की, दूसरे प्रकाशनों की, उनको हम प्रकाशित करते हैं। हमारी पत्रिका बहुत लोकप्रिय हो रही है और बड़ी मांग है देश भर में से कि उस पत्रिका का जो कालावधि है वो छोटी की जाए। अभी हम उसको त्रैमासिक निकालते हैं, हमारी योजना थी कि हम उसको मासिक करेंगे, लेकिन मैं उस पत्रिका को अपने सहयोग के साथ परामर्श के बाद अब द्विवार्षिक द्विमासिक निकालने की हमने योजना बनाई है। अब पुस्तक संस्कृति आपको हर दो माह में एक बार मिले। आप सब यहाँ आए, हमारे अतिथि यहाँ आए, उन्होंने बहुत समय दिया, इस सब के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबसे अपील करता हूँ कि बड़ी संख्या में इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के लिए हमारे स्वयं के प्रयासों से बच्चे, नौजवान, पुस्तक प्रेमी आए तो हम सबका ये आयोजन सार्थक होगा। एक बार फिर आप सबका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद बलदेव भाई शर्मा जी, निश्चित तौर पर कुछ नई, थैंक यू वेरी मच। और अब पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की थीम पर आधारित एक कैलेंडर का भी यहाँ लोकार्पण होगा। हम एक बार फिर से निवेदन करेंगे मंच पर मौजूद हमारे विशिष्ट अतिथियों से इस कैलेंडर का लोकार्पण करें। वी वुड नाउ रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल गेस्ट टू काइंडली लॉन्च द कैलेंडर। अच्छा, दीपक कुमार जी का भी यहाँ स्वागत अभिनंदन, गीता चौधरी जी के माध्यम से दीपक कुमार जी IGPO के कार्यकारी निदेशक। और अभिनंदन की इस परंपरा के साथ कैलेंडर का ये लोकार्पण। ये कैलेंडर जिसमें कि थीम पर बेस्ड ये कैलेंडर है और कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्रों से सजा संवरा ये कैलेंडर है, इसकी एक झलक आप यहाँ पर पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मौके पर हम NBT द्वारा महिला लेखन प्रोत्साहन योजना श्रृंखला के अंतर्गत प्रकाशित तीन पुस्तकों का भी यहाँ लोकार्पण करेंगे। न्यास की एक अनूठी पहल है उन महिला कथाकारों के लिए जो कि युवा रचनाकार हैं, उनकी कृतियों को प्रकाशित किया है और ये तीन कृतियां इसी उद्देश्य से इसी योजना के अंतर्गत प्रकाशित की गई है। इसमें जो पहली कृति जो कि हम यहाँ आमंत्रित करेंगे जिसका लोकार्पण होगा, या से यशस्वी या से यात्रा, जिसकी लेखिका है यशस्विनी पांडे, अनूठी रचनात्मक कृति है, उनके यात्रा संस्मरणों से ये जुड़ी हुई है। या से यशस्विनी या से यात्रा, ये तीन पुस्तकों तीन रचनाकारों की जो कि युवा रचनाकार, महिला रचनाकार, उनको प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से तीन पुस्तकें। दूसरी पुस्तक जोहड़ी जो कि एक कहानी संग्रह है, कौशल पवार इसकी लेखिका है, ये दलित स्त्री विमर्श की कहानियों से सजी हुई है ये पुस्तक जोहड़ी। तीसरी पुस्तक है रानी कमलापति जो कि इंदिरा दागी द्वारा लिखित है, इंदिरा दागी भी एक सशक्त कथाकार है, नाटककार है, उनके द्वारा लिखित ये पुस्तक है। तो इन तीन पुस्तकों का भी लोकार्पण आज यहाँ पर हमारे विशिष्ट अतिथियों के हाथ।
आप जानते हैं कि भारत में महिला लेखन की एक समृद्ध परंपरा वैदिक कालीन से चली आ रही है और इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आधुनिक स्त्री विमर्श से जुड़े हुए तमाम कथानक हमारे समाज में जिनको लिखती रही है हमारी महिला कथाकार, लेकिन अक्सर देखा गया है कि प्रकाशन से वंचित रह जाते हैं उनके प्रकाशन और ऐसी ही कृतियों को प्रकाशित करने का बीड़ा एनबीटी के द्वारा उठाया है और ये तीन पुस्तकें इसी एक बार भी प्रस्तुत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तीन पुस्तकें आपके लिए आपके लिए समर्पित और उम्मीद करते हैं कि ये युवा रचनाकार महिला रचनाकार जिनकी कृतियां उनको जरूर पाठक मिलेंगे। जनवरी में एक भले ही ठंडे दिन रहते हो लेकिन हम ये कह सकते हैं कि विश्व पुस्तक मेला एक अनाज की तरह है, एक प्रकाश पुंज की तरह है जो हमारे जीवन को गर्माहट से भरता है और उसे प्रकाशित भी करता है। और हर वर्ष हम देख रहे हैं कि ये पुस्तक मेला किस प्रकार बहुत ज्यादा बेहतर और परिपक्व हो रहा है और इस बार का जो थीम रखा गया है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, जिसकी चिंता और चिंतन इस मेले में भी आपको नजर आएगा, तमाम पुस्तकें पढ़ने को आपको मिलेंगी। हम आग्रह करेंगे राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष बलदेव भाई शर्मा जी से कि वो आए और 26वें पुस्तक मेले के बारे में आपको बताएं और उद्घाटन भाषण दें। बलदेव भाई शर्मा जी, नमस्कार। इस 26वें विश्व पुस्तक मेले में हमारे अतिथि देश के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर श्रीमान थॉमस कॉल्सवास्की महोदय, प्रसिद्ध यूनानी लेखिका कालिया पापादाकी जी, विश्वविख्यात भारत की पर्यावरणविद आदरणीय सुनीता नारायण जी, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत सरकार के जिस मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है उसके उच्च शिक्षा विभाग में पदस्थ संयुक्त सचिव श्रीमान मधुरंजन जी, ITPO अब भारत की पहचान बन गया है और उसके साथ मिलकर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पुस्तक न्यास इस पुस्तक मेले का आयोजन करता है, उसके कार्यकारी अधिशासी श्रीमान दीपक कुमार जी, न्यास की निदेशक डॉक्टर रीता चौधरी जी, यहां उपस्थित यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों और अन्य देशों के सम्मान